गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ब्रांच अकाउंट्स की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच की ये प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं एक बार। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। क्या है? गुड्स सेंड टू ब्रांच है ₹12,000 स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांजिट। ओके, ब्रांच मैनेजर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी। ब्रांच मैनेजर ने कहा कि मुझे अब इसके अगेंस्ट में मैं कोई मेरा इसमें फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आपका है या जो भी है, आई एम नॉट टेकिंग दिस एज अ लॉस। इसी तरीके से और पढ़ें, ब्रांच पेड ₹15,000 एज सैलरी टू ऑफिसर ऑफ हेड ऑफिस ऑन हिज विजिट टू ब्रांच। ऑन 28th March द हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स टू ब्रांच इनवॉइस ₹25,000 which was not received by branch till 31st March 2012. A remittance of ₹10,000 sent by branch on 30th March received by the head office on 1st April. And head office made payment of ₹25,000 for purchase of goods by branch and wrongly debited its own purchase. So basically, ये जो adjustment हुए हैं या ये जो ट्रांजेक्शन हमने रिकन्सिलेशन में निकाले हैं, अब हमें इनको ठीक करना है। तो किसकी बुक्स में ठीक करना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहां हमें ठीक करना है, देखिए, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हमें हेड ऑफिस की बुक्स में ठीक करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हेड ऑफिस की क्या जनरल एंट्रीज बनाएगा इसको देखना। ये हेड ऑफिस की बुक्स है, तो जैसे पहला ट्रांजैक्शन है, गुड्स सेंड टू ब्रांच ₹12,000 स्टोलन, चोरी हो गया, तो एक तरह से लॉस बाय थेफ्ट है। तो एंट्री करेगा ये। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा बिहाइंड वर्किंग जा रहा हूं कि पहले क्या हुआ होगा। जब हमने गुड्स सेंड किया होगा तो एंट्री करी होगी गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमने ब्रांच को क्रेडिट किया होगा, तो हमने एंट्री पास की होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है ना। अब ये गुड्स मेरा लॉस्ट हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्रांच को तो मुझे क्रेडिट कर देना चाहिए, और डेबिट किसको कर देना चाहिए? मुझे लॉस बाई थेफ्ट को। तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो क्या होगी? लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और अमाउंट कितनी होगी? 12,000। यहां पे नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंटर्ड इन हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस की बुक्स में हमने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़े। ब्रांच पेड, तो ब्रांच ने पेमेंट की है किसको? हेड ऑफिस के ऑफिसर को। ठीक है, और जो पेमेंट हुई है वो कैसे पेमेंट हुई है? एज अ सैलरी पेमेंट हुई है, मतलब उनकी सैलरी थी, वो हेड ऑफिस गए हुए थे, सॉरी ब्रांच गए हुए थे, तो ब्रांच से उन्होंने पेमेंट ले ली। तो जो ब्रांच अपने यहां एंट्री करेगा, वैसे ये पूछी नहीं गई है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ब्रांच की बुक्स में एंट्री क्या होगी?
ब्रांच तो हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर देगा और टू बैंक 15,000 रुपये। तो हेड ऑफिस इसकी एंट्री क्या करेगा, हेड ऑफिस इसकी एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तब करते जब वो पैसा लाके जो ऑफिसर है वो हेड ऑफिस को जमा करता, लेकिन वो तो उसने सैलरी के फॉर्म में लेके रख लिया अपने पास। तो एक तरह से ये हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस करेगा सैलरीज अकाउंट को डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 15,000। और नरेशन में क्या आएगा, बीइंग हेड ऑफिस ऑफिसर सैलरी पेड बाय ब्रांच, हेड ऑफिस के ऑफिसर की सैलरी जो ब्रांच ने पे की, ठीक है। ये दूसरी एंट्री हो गई। चलिए अब तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री है 28 मार्च को हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स टू द ब्रांच इनवॉइस्ड रुपीज 25,000 विच वॉज नॉट रिसीव्ड बाई द ब्रांच टिल 31 मार्च। फ्रेंड्स ये ट्रांजिट की एंट्री है जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये हमारी गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री है। तो जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो बेसिकली हेड ऑफिस अपने यहां इसकी एंट्री नहीं करता है, कर सकता है बट नॉर्मली नहीं कर सकता, नहीं करता है। गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री उनकी बुक्स में की जाती है जिनके यहाँ पर बेसिकली वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी है। जैसे सपोज करो ब्रांच ने कैश भेजा है या बैंक से पेमेंट करी है और हमारे यहाँ हेड ऑफिस में अभी पैसा नहीं आया, तो वो आज नहीं आया, एक दिन बाद आ जाएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली हम ट्रांजिट की बुक्स में एंट्री करेंगे क्योंकि हमारी बुक्स में वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी है। ऐसे ही गुड्स ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच की बुक्स में कंप्लीट होनी, ब्रांच के यहाँ जाके पहुँचना ही है उसे, तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री उसे करनी चाहिए। तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री का कंसेप्ट ये है कि ब्रांच उसकी एंट्री करे, तो ब्रांच अपने एंट्री क्या करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। मतलब करेक्ट एंट्री तो यही है, लेकिन अगर हेड ऑफिस कहे कि नहीं गुड्स इन ट्रांजिट मुझे अपनी बुक्स में ही चढ़ाना है तो वो चढ़ा सकता है, तब एंट्री वो करेगा गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट। तो इनके यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी, मतलब आइदर हेड ऑफिस और ब्रांच शुड एंटर द ट्रांजेक्टरी एंट्रीज, आइदर कोई भी एक, दोनों को नहीं करनी है। तो बेस्ट यह है कि ट्रांजेक्शन वो एंट्री करे जिसके यहां वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। तो बेटर यह है कि गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच करे ना कि हेड ऑफिस, ठीक है। फिर है अगला देखें, रेमिटेंस ऑफ 10,000 सेंट बाय द ब्रांच ऑन 30th मार्च, यहां पर कैश इन ट्रांजिट आ गया। तो चौथी एंट्री हम करते हैं। अब ये हेड ऑफिस की बुक्स है और ये ब्रांच की बुक्स है। मैंने बताया कि ट्रांजेक्शन वो एंट्री बुक करे जिसके यहां वो ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली पहुंचनी है। तो कैश इन ट्रांजिट किसके यहां पहुंचेगा, हेड ऑफिस में पहुंचेगा। तो इसकी एंट्री इन्हें करनी चाहिए, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो इनकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन कहीं किसी बुक्स में अगर आपको पता चले कि ब्रांच ने कैश इन ट्रांजिट की एंट्री करी है तो वो हो सकती है, उस केस में ये एंट्री करेंगे कैश इन ट्रांजिट
टू हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस के यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। ट्रांजिट की एंट्री किसी एक की बुक्स में होगी, बेटर है ये एंट्री की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली 1 या 2 डेज बाद इन्हीं के पास केस पहुंचने वाला है। ठीक है, चलिए अगली एंट्री देखेंगे। हेड ऑफिस मेड पेमेंट ऑफ ₹25,000 फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय ब्रांच। अब हेड ऑफिस ने बेसिकली ब्रांच की पेमेंट परचेज करी और उसे अपने यहाँ बुक्स में डाल दिया, तो वो क्या करेगा? उस करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। रॉन्ग एंट्री क्या हो चुकी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी हेड ऑफिस की बुक्स में? रेक्टिफाइड होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपको ये एंट्री करनी है, ये दो एंट्री मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करी है। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹25,000 की एंट्री होगी और वो लिखा जाएगा बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ परचेज मेड फॉर ब्रांच हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हमने किया है, एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, आते रहते। चलिए, थैंक यू।